सारी गड़बड़ियां होंगी और इन्होंने कोविड काल कोरोना काल के अंतर्गत बताया गया है कि हमने 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मील दे दिया है। और जो एक गांव का मैं प्राप्ति रसीद लाया हूँ उसमें नाम किसका दिया किसका है, जब बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मील में करोड़ों का घोटाला किया है और बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना है। इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी जांच कर रही है, एसीबी जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं और जांच करवा कर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि कानून हमको अनुमति देगा तो हम भी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न है, मिड डे मील में एक आदमी वहाँ लगा हुआ है जो सरकारी कर्मचारी है, उसने भी गड़बड़ किया, उसको निलंबित करता हूँ। सारी गड़बड़ियाँ हुई है और इन्होंने कोविड काल कोरोना काल के अंतर्गत बताया गया है कि हमने 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मील दे दिया है। और जो एक गांव का मैं प्राप्ति रसीद लाया हूँ उसमें नाम किसका दिया किसका है, जब बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मील में करोड़ों का घोटाला किया है और बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना है। इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी जांच कर रही है, एसीबी जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं और जांच करवा कर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि कानून हमको अनुमति देगा तो हम भी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न है, मिड डे मील में एक आदमी वहाँ लगा हुआ है जो सरकारी कर्मचारी है, उसने भी गड़बड़ किया, उसको निलंबित करता हूँ। सारी गड़बड़ियाँ हुई है और इन्होंने कोविड काल कोरोना काल के अंतर्गत बताया गया है कि हमने 9 महीने का इकट्ठा मिड डे मील दे दिया है। और जो एक गांव का मैं प्राप्ति रसीद लाया हूँ उसमें नाम किसका दिया किसका है, जब बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, बच्चों को दिया है तो अंगूठा क्यों ले गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है। कांग्रेस की सरकार ने मिड डे मील में करोड़ों का घोटाला किया है और बच्चों के मुंह से दूध और मिड डे मील छीना है। इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी जांच कर रही है, एसीबी जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो हम भी जांच करवा सकते हैं और जांच करवा कर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यदि कानून हमको अनुमति देगा तो हम भी जांच करवाएंगे। अगला प्रश्न है, मिड डे मील में एक आदमी वहाँ लगा हुआ है जो सरकारी कर्मचारी है, उसने भी गड़बड़ किया, उसको निलंबित करता हूँ।